हेलो एवरीवन, मैं हूँ रियाजुद्दीन मोहम्मद और आज हम बात करेंगे भौगोलिक खोज के तीसरे वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पहले और दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप हमारे ज्ञान गंगा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसकी जानकारी फैलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटना सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि भौगोलिक खोज के क्या परिणाम पड़े। तो भौगोलिक खोज के परिणाम में सबसे पहला है व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। दूसरे भौगोलिक खोज का प्रभाव यह हुआ कि व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। तीसरा है उपनिवेशवाद का विकास हुआ। चौथा है दास व्यापार को बढ़ावा मिला। पांचवा है भ्रांतियों का अंत हुआ। छठा है बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। और इसके अलावा बाकी सारे जितने परिणाम पड़े, हम उन सब का अध्ययन अन्य परिणाम के रूप में करेंगे। भौगोलिक खोज का पहला परिणाम है कि इससे व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, भौगोलिक खोज नहीं हुई थी तो यूरोप का व्यापार जो था केवल बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। बाल्टिक सागर का अगर हम देखें, मुआयना करें, तो आप देख सकते हैं ये पोलैंड है, उसके इधर स्वीडन है, उसके बाद नॉर्वे, अगर हम यहाँ चलते हैं तो रसिया, दक्षिण में चलते हैं तो देखिए लिथुआनिया, पोलैंड, इसके बगल में चले तो जर्मनी। ये देश जो है बाल्टिक सागर के किनारे के देश हैं जहाँ व्यापार हुआ करता था। अगर हम इसको और ज़्यादा विस्तार से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि बाल्टिक सागर जो है उत्तरी यूरोप का एक सागर है जो लगभग सभी ओर से ज़मीन से घिरा है। अगर बात करें हम इसके क्षेत्र को तो आप देख सकते हैं कि इसे एक उत्तर में स्कैंडिनेवी प्रायद्वीप यानी स्वीडन, उत्तर पूर्व में फिनलैंड, पूर्व में इस्टोनिया, इसके अलावे लिथुआनिया, लैटविया, दक्षिण में पोलैंड तथा दक्षिण पश्चिम में जर्मनी है, पश्चिम में डेनमार्क तथा छोटे द्वीप हैं जो इसे उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से अलग करते हैं। जर्मनी भाषाओं में जैसे डच, डेनिश, फिन्नी में इसको पूर्वी सागर अर्थात ओस्ट सी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आप देख लिए कि बाल्टिक सागर जो है उसका फैलाव जो है यूरोप के कुछ ही हिस्सों में है, जिससे व्यापार जो था ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन भौगोलिक खोज के बाद व्यापार जो था वह हिंद और प्रशांत महासागर तक फैल गया। तो ये भौगोलिक खोज का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके अलावा भौगोलिक खोज का एक अन्य प्रभाव ये पड़ा कि बहुत से व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, भौगोलिक खोज हुई, भौगोलिक खोज होने से यूरोपीय देशों ने वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए। उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ वहाँ उन्होंने उद्योग भी धंधे भी स्थापित किए, जिसके चलते बहुत से नए नगरों का विकास हुआ। इन नगरों में पेरिस, लंदन, लिस्बन, लिवरपूल, ब्रिस्टन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम भौगोलिक खोज के अन्य परिणाम की, तो इसमें
एक अन्य परिणाम यह है कि उपनिवेशवाद का विकास हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, उपनिवेश हम उसको कहते हैं जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर ले। तो इस तरह से भौगोलिक खोज के बाद बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने दुनिया के बहुत से देशों को गुलाम बनाया। यहाँ दो वर्ग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, एक उपनिवेशी और दूसरा उपनिवेश। अगर हम बात करें तो बाएं तरफ में इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन हैं जिनने दुनिया के बहुत से देशों को गुलाम बनाया। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने अकेले अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश कायम किए थे। तो ज़रूरी नहीं कि इंग्लैंड नहीं, बल्कि हॉलैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इन सब ने मिल करके बहुत से देशों को गुलाम बनाया, उनका शोषण किया, उनके संसाधनों का दोहन किया। तो ये उपनिवेश हैं और वो जिन पर इन उपनिवेशियों के द्वारा शासन किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज हुई तो वे वहाँ गए और जा कर के वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया, अर्थात ये कह सकते हैं कि उनको उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश ही नहीं बनाया बल्कि वहाँ के संसाधनों का भरपूर दोहन भी किया गया। अगले परिणाम की अगर हम बात करें तो उनमें अगला परिणाम है दास व्यापार। जैसा कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि बहुत से ऐसे नगर जो थे वो विकसित हुए और उन वे विकास भौगोलिक खोज के परिणाम के स्वरूप ही था। तो ऐसे में हमने एक लिस्बन नगर का भी चर्चा किया था। लिस्बन नगर जो है वहाँ दास को बेचने के लिए सबसे बड़ा मेला लगता था। दास एक तरह से कह सकते हैं कि जब राजनीतिक या युद्ध में बनाए गए बंदी होते थे, जिन बिल्कुल जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता था, उन्हें आज के जानवर जैसे गाय, भैल, बैल, बकरी, भैंस, हम उनको ख़रीदते हैं, ठीक उसी तरीके से पहले लोगों को ख़रीदा जाता था, उन्हें जानवरों की तरह सलूक किया जा सकता था, किया जाता था। जैसे कि आप तस्वीरों में देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है दास्ता का बयां कर रही है कि किस तरीके से यूरोप के भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप दास व्यापार को बढ़ावा मिला। तो इस तरीके से भौगोलिक खोज का एक परिणाम ये भी है कि दास्ता जो थी उसमें वृद्धि हुई, दासों को बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त किया जाने लगा। अगले हम परिणाम की बात करें तो भौगोलिक खोज के अगले परिणाम की कड़ी में आता है भ्रांतियों का अंत। जैसा कि आप जानते हैं कि कारण का जब हम लोगों ने अध्ययन किया था तो उसमें जाना था कि क्या भ्रांतियाँ फैली थी यूरोप में, किस तरीके के लोग थे, समाज कैसा था, क्या सोचते थे लोग पृथ्वी के बारे में। तो जब भौगोलिक खोज हुई तो बहुत सी भ्रांतियाँ जो थी, जो चर्च द्वारा जी जाती थी, उसका अंत हो गया। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण भ्रांति ये थी कि पृथ्वी जो है चपटी है और उसके किनारे से जाएंगे तो गिर करके अंत में हम विलीन हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है, इस रास्ते के द्वारा मैगलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के तत्पश्चात वो एक स्थान से जहाँ से चलना शुरू किया फिर वहीं स्थान पे आ पहुँचा। इससे ये साबित हो गया कि पृथ्वी जो है चपटी नहीं है बल्कि पृथ्वी गोल है, और हम उसके एक किनारे से शुरू करें चलना तो अंततः हम उसी किनारे पर पहुँच जाएंगे। जिसके परिणाम स्वरूप आपने पढ़ा होगा कि बहुत से स्थानों की खोज हुई, नाविक जो थे अपने नावों को लेकर के खोज में निकल पड़े, परिणाम स्वरूप बहुत से नए स्थानों की खोज हुई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चर्च के द्वारा जो गलत अवधारणाएं विकसित की गई थी उसका अंत करने में भौगोलिक खोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली परिणाम है बैंकिंग व्यवस्था का विकास। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी उद्योग धंधे को चलाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग व्यवस्था का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही भौगोलिक खोज हुई, भौगोलिक खोज के बाद यूरोप के देशों में होड़ लग गई कि
कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपनिवेश स्थापित करें। उपनिवेश स्थापना के क्रम में उन्हें पैसे की पूंजी की ज़रूरत हुई और ये पूंजी की वजह से मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा का आवागमन रहा, जिसकी वजह से बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। ये तो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम थे, इसके अलावा हम अन्य परिणाम भी देखेंगे। इनमें है बहुमूल्य धातुओं का आयात निर्यात। भौगोलिक खोज हो जाने के बाद एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में धातुएं जो है आयात निर्यात होने लगी। जिन क्षेत्रों में नए उत्पाद थे उनका प्रचार प्रसार, जहां ये चीज़ें नहीं होती थी वहां उनको बड़े पैमाने पर आयातित किया गया, जिसकी वजह से बहुमूल्य धातुएं का आयात निर्यात शुरू हुआ। इसके अलावा है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। जैसा कि आप जानते हैं, भौगोलिक खोज करने का एक अन्य कारण ये भी था कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो ठंडा पड़ गया था। ऐसी स्थिति में भौगोलिक खोज के बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लोगों को भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई, भ्रांतियों का अंत हुआ, वे पृथ्वी के बारे में नई नई जानकारी जाने, साथ ही साथ नए नए आविष्कार और उनका उपयोग की भी जानकारी मिली। जैसा आपने कंपास, एस्ट्रोलैब, कैरावल नामक जहाज, दूरबीन, इसके बारे में अध्ययन किया था।